नमस्ते का टेम्परेचर स्कोर का बैठना से मैच को मान सर और बाद में क्लास के बाद पूछ लेना सर से है। चलो क्वेश्चन लिखो। 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस, 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन, 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, expanded isothermally, expanded isothermally from an initial pressure of 4 atmosphere, from an initial pressure of 4 atmosphere to a final pressure of 1 atmosphere. To a final pressure of, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 4 atmosphere टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 1 atmosphere, 1 atmosphere अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, against a constant external pressure of 1 atmosphere, against a constant external pressure of 1 atmosphere, calculate Q W delta U and delta H. Calculate Q, W, delta U and delta H. एक और लाइन लिखी हुई है, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ऑल, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ऑल, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ऑल इफ द अबव प्रोसेस, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग values of all if the above process is carried out reversibly, if the above process is carried out reversibly. इसका मतलब कि आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में भी ये सारे कैलकुलेशन करने हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस में भी ये सारे कैलकुलेशन करने हैं। अगर कुछ ने लिखा हो तो तुम तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, कुछ ना कुछ तो हिंट होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको पकड़ना पड़ेगा। इंटरनल सर्विस करना है।
मुझे बता रहा है, आंसर बता रहा है, आंसर सही बता रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो हो गया, तो डेल्टा यू भी जीरो होगा, डेल्टा एच भी जीरो होगा। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डेल्टा यू और डेल्टा एस तो जीरो हो गया। अब हमें निकालना है क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू होना चाहिए ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। अगर हम इररिवर्सिबल प्रोसेस को कंसीडर करें तो ये लिख सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में W irreversible is equal to minus Q irreversible। अब W irreversible ये कंप्लीट एक्सपेंशन का केस है। कैसे पता चला, क्योंकि फाइनल इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, है कि नहीं, फाइनल इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर, इसलिए कंप्लीट एक्सपेंशन का केस है। तो कंप्लीट एक्सपेंशन का केस है तो ये क्या आ जाएगा, क्या था एक्सप्रेशन, माइनस एन आर टी इंटू वन माइनस अरे बोलना एक्सप्रेशन, वी आई बाई वी एफ, पी एफ अपॉन पी आई, पी एफ अपॉन पी आई है ना। ठीक है, तो ये होता है। अब आप सारी वैल्यूज को पुट कर दो, तो अगर वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एन वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, आर वैल्यू अगर जूल के टर्म्स में कंसीडर करें तो 8.314, टेम्परेचर कितना है 300 इंटू वन माइनस पी एफ अपॉन पी आई 1/4। नहीं नहीं नहीं, जूल के टर्म्स में आंसर की। ठीक है, तो 1 - 1/4, तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू जूल के टर्म्स में आ जाएगी। बड़ा और छोटा ये तेरे हाथ में है क्या, तुम्हारे हाथ में क्या है, सिर्फ कर्म करना है, है? भाई फल देना तो क्वेश्चन के हाथ में, डेटा जो गिवन है उसके डिपेंड करेगा। कितना आया ये, -9353 जूल। तो इसका मतलब क्यू रिवर्सल क्या हो जाएगा, +9353 जूल, डब्ल्यू रिवर्सल -9353 जूल और क्यू रिवर्सल +9353 जूल। अच्छा, ये तो हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में क्या होगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू
माइनस क्यू रिवर्सिबल, डेल्टा यू दोनों केसेस में जीरो होगा ना, तो अब ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.303 माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ 10 बेस पी आई अपॉन पी एफ, पी आई अपॉन पी एफ, वी एफ अपॉन वी आई होता है या पी आई अपॉन पी एफ होता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे वैल्यूज को पुट करके देख लो तो क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 लॉग ऑफ 10 बेस 4/1 लॉग 4 कितना होता है 0.6020 टू लॉग टू, लॉग की वैल्यूज कुछ याद है, अच्छा बहुत अच्छा है, वेरी गुड। लॉग टू कितना होता है 0.3010, ठीक है। लॉग थ्री कितना, रटो इसको, लॉग थ्री 0.4771, लॉग फाइव 0.6990, लॉग फाइव, और लॉग सेवन 0.8450, अच्छा हाँ ये याद होना चाहिए। अब जैसे लॉग टू लॉग थ्री पता है तो लॉग सिक्स निकाल लोगे, लॉग फोर निकाल लोगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके लॉग फोर टू लॉग टू हो जाएगा, लॉग सिक्स लॉग टू इंटू थ्री यानी कि लॉग टू प्लस लॉग थ्री, गिवन होती है समटाइम्स, कितना रहा है माइनस 17,288, अब आप देख सकते हो यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज कौन सी वैल्यू बड़ी है, रिवर्सिबल वर्क डन वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बड़ी है रिवर्सिबल से, और ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो इनिशियल प्रेशर ज्यादा है फाइनल प्रेशर कम है, इसका मतलब सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, जब एक्सपेंशन होता है तो रिवर्सिबल वर्क डन इरिवर्सिबल वर्क डन से ज्यादा होता है लिखवाया हुआ। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो हीट कैपेसिटी, अलग हीट कैपेसिटी, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन लिखो, देखो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवेन अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवेन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अ गिवेन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 degree, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवेन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 degree इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी,
is called heat capacity. Is called heat capacity. Likho, it is represented by capital C. It is represented by capital C. Aage likho. It is an extensive property. Heat capacity extensive property hoti hai. It is an extensive property as well as is a path function quantity. As well as is a path function quantity. ठीक है, तो ये extensive property होती है और path function quantity होती है. आप देखो, अगर एक particular substance को हम certain amount of heat supply करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके temperature में change आता है. अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो हीट की वजह से क्या होगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा. कम हीट दोगे तो टेम्परेचर में कम चेंज आएगा, ज्यादा हीट दोगे तो टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आएगा. तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अमाउंट, लिख लो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, पैरा चेंज करके लिखना, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, amount of heat supplied to a substance Q is directly proportional to rise in temperature delta T. temperature में change नहीं होता उस condition में, basically latent heat work करती है तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. हाँ, उस कंडीशन में ये होल्ड नहीं करेगा. बात सही है, मतलब दिस रिजल्ट इज नॉट एप्लीकेबल ड्यूरिंग फेज चेंजेस. ठीक है, जब फेज चेंज होता है, जैसे सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो वहां पे जो है ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा. ये रिजल्ट तब होल्ड करेगा जब वहां पे सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, यानी कि जब स्पेसिफिक हीट वर्क करती है तब. तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. अगर हम यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म आ जाएगा हीट कैपेसिटी C. तो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी. यानी कि एक तरीके से अगर आप देखो तो ये जो हीट कैपेसिटी है ना, वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. नहीं, वो सीवी है, सीपी है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ये जनरल सेंस में ये रिजल्ट होल्ड करेगा. ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी. सी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं. तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी. तो अब आप इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई कर रहे हो अलग अलग सब्सटेंसेस को अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, तो जिसकी हीट कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके टेम्परेचर में उतना कम चेंज होगा. ये बात समझ में आ रही है नहीं? अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट को अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसफर कर रहे हो, तो जिस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके टेम्परेचर में उतना कम चेंज होगा. ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हो दिस इंप्लाइज सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इफ क्यू इज कांस्टेंट. C is inversely proportional to delta T if Q is constant. तो ये तो बात हो गई हीट कैपेसिटी की. अब नोट करो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
हाँ अलग टर्म, 1 gram मोलर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेफिनेशन लिखो, लिखो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram ऑफ द सब्सटेंस, 1 gram ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 degree, 1 gram ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 degree इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगले को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी, ठीक है, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। अगले को इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हर्ड वर्ड आ रहा है इसके अंदर, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज, एज वेल एज इज अ पाथ फंक्शन क्वांटिटी, एज वेल एज इज अ पाथ फंक्शन क्वांटिटी, ठीक है। तो amount of heat supplied Q is equal to M C delta T, ये होना चाहिए भाई। C क्या है, C है 1 gram of the substance का temperature को 1 degree से increase करने के लिए जो amount of heat required, वो small C है। तो अगर आप m ग्राम ऑफ सब्सटेंस को कंसीडर करोगे तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से अगर चेंज करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, m इनटू c। अब बोल रहा है कि अगर m ग्राम ऑफ द सब्सटेंस का टेम्परेचर को डेल्टा t केल्विन से चेंज करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, m c इनटू डेल्टा t। समझ आया कि नहीं, तो q इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा, ठीक है, या आप बोल सकते हो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा, कैपिटल सी एम सी इक्वल, कैपिटल सी, हाँ सही है, एकदम सही। ठीक है, तो ये बात हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अब आप लिखो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, डेफिनेशन लिखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole ऑफ द सब्सटेंस, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of the substance by 1 degree, by 1 degree is called molar heat capacity, is called molar heat capacity, molar heat capacity। आगे लिखो molar heat capacity are of 2 types, मोलर हीट कैपेसिटी आर ऑफ 2 types,
मोलर हीट कैपेसिटी आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अगर पूरी डिफिनेशन वही है जो आपने मोलर हीट कैपेसिटी में लिखा हुआ है, बस साथ में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हो जाएगा, जिसको सीपी बोलते हैं. सीपी ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीपी. तो अब बात आती है सीपी को आप कैसे डिफाइन करोगे. तो सीपी हो जाएगा या आप इसको ऐसे लिखो क्यूपी, हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यूपी. क्यूपी क्या होता है? डेल्टा एच होता है ना. तो दिस इज इक्वल टू एन सीपी इंटू डेल्टा टी होना चाहिए. हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी. क्योंकि सीपी क्या है? सीपी है एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर एक केल्विन से चेंज करना है तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो सीपी है. तो अगर वन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर वन केल्विन से चेंज कर रहा है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड सीपी है. तो एन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर को अगर वन केल्विन से चेंज करना है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एन इंटू सीपी हो जाएगा. और अगर हम बोल रहे हैं कि एन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर को डेल्टा टी केल्विन से चेंज करना है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? एन सी पी डेल्टा टी. वो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है? क्यूपी, हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. और हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं. आया समझ में? तो इसका मतलब अगर आप देखो तो यहां से ये लिखा जा सकता है सीपी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी. डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी. वैसे सीपी को मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कि वन मोल के लिए इसको डिफाइन करते हैं. अगर वन मोल के लिए डिफाइन करते हो तो एन वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी. और एन वैल्यू अगर वन हो गई तो सीपी क्या गया? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी. या स्मॉल चेंज के लिए हम किसको क्या लिख सकते हैं? डीएच बाई डी टी. क्या लिख सकते भाई? डीएच बाई डी टी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप ये भी लिख लेना सीपी इज इक्वल टू डीएच बाई डी टी. नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस चाहे केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है. वन डिग्री बोला है, यूनिटी से टेम्परेचर को चेंज करता है. तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर समझ में आ गया. अब आप लिखो नंबर टू, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इसको सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड दिस इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. तो सी वी यहां से क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी टी.
ठीक है। अब आप नोट करो मेयर्स इक्वेशन उसका डेरिवेशन अब बताने जा रहा हूं। इक्वेशन क्या है वो तो आपको पता है, उसको डिराइव कैसे करते हैं। मेयर्स इक्वेशन देखो, हमें पता है इंथैल्पी एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ये होता है। देयरफोर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है। फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आरटी, ठीक है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा आरटी। तो ऑब्वियसली आर कांस्टेंट है, तो आर कांस्टेंट है तो हम इसको आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच वन मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, सीपी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा यू वन मोल गैस के लिए क्या होगा, सीवी इंटू डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहां से, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, ठीक है, या सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। इस इक्वेशन को मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। नोट कर लिया, बहुत स्लो। यस सीबीएस कुछ भी समझ सकते हो, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यही इक्वेशन मेयर्स इक्वेशन बोली जाती है। अब देखो अगर हम यहां पे CV से डिवाइड कर दें दोनों साइड में, क्या मिल जाएगा, CP by CV माइनस वन इज इक्वल टू R by CV। ये CP by CV जो है ये क्या है, गामा, तो गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर बाई सीवी, वेयर गामा इज इक्वल टू CP by CV इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो। ठीक है, अब होती है अभी सब बताता हूँ, क्यों टेंशन ले, अरे क्यों फालतू दिमाग पे इतना जोर क्यों दे। तो गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो हूज वैल्यू, लिख लो, हूज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, whose value depends upon
atomicity of the gas whose value depends upon atomicity of the gas. आगे बढ़े, तो अब आप लिखो नेक्स्ट हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइसन रेशियो. डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइसन रेशियो, लिखो. सब बता देता हूं, जहां तक याद कर सकते हो कर लो, मैं अपना काम कंप्लीट कर देता हूं. तो आप देखो, बात आती है पॉइसन रेशियो को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे. तो पॉइसन रेशियो को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज कर पहले सीवी निकालते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सीवी निकालते हैं. सीवी अगर हमें पता चल गया तो वहां से सीपी मिल जाएगी, क्योंकि मेयर्स इक्वेशन से सीवी इज इक्वल सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी. तो वहां से सीपी आ गया, और सीपी और सीवी अगर मिल गया तो फिर गामा निकाल लिया. ठीक है, तो अब बात आती है सीवी को कैसे निकालेंगे. तो बोला सीवी को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. सीवी को निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो आप नोट करो, लिखो पॉइसन रेशियो इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अगले को, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ total energy stored inside a system is equally divided. Total energy stored inside the system is equally divided among its various degrees of freedom. Total energy stored inside a system is equally divided among its various degrees of freedom. ब्रैकेट में लिख लेना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल एफ. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते. ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो, सीवी इंटू डेल्टा टी. ठीक है, सीवी इंटू डेल्टा टी. तो ये जो डेल्टा यू है, अगर हम इसको कंसीडर करें तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ आर डेल्टा टी. क्या होगा, हाफ आर डेल्टा टी पर मोल, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल जो
इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो कितना होगा, हाफ आर डेल्टा टी। और अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ होने पे जो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो एफ इंटू हाफ आर डेल्टा टी होगी। समझ में आया कि नहीं? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हाफ आर डेल्टा टी। तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, एफ इंटू हाफ आर डेल्टा टी। आई बात समझे? तो अब हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू हाफ आर डेल्टा टी। स्मॉल एफ मैंने छोटा ही लिखा है, हाँ ये मेरा ऐसा ही एफ होता है, बड़ा वाला ऐसे लिखता हूं, ये बड़ा वाला ठीक है, और ये क्या है, ये छोटा वाला है। सर ये दो फॉर्मूले से तो हम गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, कांस्टेंट ही आ रहा अभी अभी वो भी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी एक एक चीज जो है सामने आ रही। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ इंटू हाफ आर डेल्टा टी। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बाय टू, एफ बाई टू आर डेल्टा टी। अगर आप कंपेयर करो तो यहां से क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। अब अगर हमें ये एफ पता चल जाए तो फिर सी वी मिल जाएगी, सीवी से सीपी मिल जाएगा, सीपी से गामा मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो अब आप देखो, अब एक टेबल बना करके एनालिसिस करते हैं, ठीक है? देख लेना कितने कॉलम बनाने, मुझे भी नहीं पता कितने बनेंगे। तो फर्स्ट कॉलम टाइप ऑफ गैस, हाँ एक बार देख लो कितने कॉलम बनने हैं। टाइप ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बहुत ज्ञानी है, सब 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 ये जानता है। तो टाइप ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीवी, सीपी एंड गामा, बस यही बन गया, ठीक है। अच्छा आप देखो, अभी रुक जाओ, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, इसके भी चार डिवीजन, अब पूरे पिक्चर क्लियर है। बस इसी पेज में, एक पेज में हो जाए। तो मेरा पेज और अपना पेज में क्या डिफरेंस है? नहीं, मेरे लिए तो छोटी स्क्रीन है, आपके लिए बड़ी है ना। अच्छा चलो मैं इसकी बाउंड्री बता देता हूं, बस यहीं पे खत्म। आप देखो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी ना तीन टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, और टोटल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल,
वाइब्रेशनल एंड टोटल। अब देखो बेटा, सबसे पहले कंसीडर करते हैं मोनो एटॉमिक गैस को। मोनो एटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। टोटल होता है 3। फ्रीडम भाई सबको आजादी है अपने अपने फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर करने की। नहीं, ज्यादा कम नहीं, सब बराबर है, सबको बराबर की आजादी है, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या गया 3। तो सीवी क्या होता है बेटा, एफ बाई टू आर होता है ना, यानी कि क्या हो गया 3/2 R। तो सीपी क्या हो गया, प्लस आर, 3/2 R + R, यानी कि 5/2 R। तो गामा क्या हो गया, 5/3। आया समझ में? तो ये तो हो गया मोनोटॉमिक गैस के लिए। नंबर 2, डायएटॉमिक गैस। एक डायएटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें तो 2। ठीक है, एक तो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस हो सकता है और उसके परपेंडिकुलर हो सकता है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस, 3 हो गए, ठीक। और रोटेशनल को अगर हम देखें तो रोटेशनल एनर्जी 2 फॉर्म में हो सकती है। एक तो जैसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो अलोंग द बॉन्ड रोटेशन हो सकता है, और दूसरा बॉन्ड के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो टोटल कितना हो गया, 5। तो सीवी क्या हो गया, 5/2 R। सीपी क्या हो गया, 7/2 R। गामा क्या हो गया, 7/5। अब आप एक पैटर्न देखना, यहां पे वैल्यू क्या है, 1.66 और यहां पे 1.4। अब क्या देख रहे हो, अगर एटॉमिसिटी बढ़ रही है तो गामा डिक्रीज कर रहा है। एटॉमिसिटी बढ़ने पे गामा डिक्रीज करता है। अब देखो, अब इसके बाद ट्राई एटॉमिक नहीं, सीधे जनरल केस पे जाते हैं, पॉली एटॉमिक। तो नंबर 3, पॉली एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक में 2 केसेस बनते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक लीनियर, जैसे CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो CO2 एक लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। CO2 लीनियर ट्राइएटॉमिक, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन सोच रहा था। अच्छा दूसरा, ऐसे ही अगर आप देखो एसिटिलीन,
C2H2 वो भी लीनियर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, दो कार्बन दो हाइड्रोजन, क्लियर? तो C2H2 जो है वो लीनियर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम कंसीडर करते हैं SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। SP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है SO2 का, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, बेंड शेप हो जाता है, एंगुलर शेप, ठीक है? तो SO2 क्या है? नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम ओजोन को कंसीडर करें, O3 नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ आया कि नहीं? तो अगर पॉलीएटॉमिक को कंसीडर करते तो पॉलीएटॉमिक में दो केसेस बन जाते हैं, पॉलीएटॉमिक लीनियर एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। पहले पॉलीएटॉमिक लीनियर को कंसीडर करते हैं। तो पॉलीएटॉमिक लीनियर में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, ठीक? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां भी होता है 2, क्या होता है 2। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, ये हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर आप गैस को लो टेम्परेचर पे कंसिडर कर रहे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे ऑब्जर्व नहीं होता या सिग्निफिकेंट नहीं होता। जब आप किसी गैस को हाई टेम्परेचर पे कंसिडर करते हो तब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिग्निफिकेंस ऑब्जर्व होता है। ये बात याद रखना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तब सिग्निफिकेंट होती है जब गैस को हायर टेम्परेचर पे कंसिडर किया जाता है। अगर हम गैस को लोअर टेम्परेचर पे कंसिडर कर रहे हैं तो लोअर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। बात समझ में आई? तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है जब सिग्निफिकेंट होगा तो नॉन लीनियर, जो लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल के केस में 3N-5 होता है, एन नंबर ऑफ एटम, एटॉमिसिटी, ठीक है? यहां पे N क्या है, यहां नीचे लिख लेना, N इज एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। जैसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल भी पॉलीएटॉमिक लीनियर का ही एक केस है। डाइएटॉमिक किसका केस है? पॉलीएटॉमिक लीनियर, भाई दो एटम है तो लीनियर ही होगा ना हमेशा, ठीक है? तो वहां पे n वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो n 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा, ठीक? तो अगर हाई टेम्परेचर पे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा। एक चीज यहां देखना, तीनों का सम 3n आ रहा है, तीनों का सम क्या आ रहा है? 3n आ रहा है। ये कब होगा? जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि जब गैस हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगी। तो जब गैस हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगी तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होगा, याद रखना, बहुत बहुत आसान है। अगर गैस हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3n। n क्या? एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। तो डाइएटॉमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। डायटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा? 6। ट्राइटॉमिक के लिए 9। टेट्राटॉमिक के लिए 12। समझ आ रहा है? अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिग्निफिकेंट है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n के बराबर होता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब सिग्निफिकेंट होगा? व्हेन गैस इज प्रेजेंट एट हाई टेम्परेचर। अभी समझ में आ गया या कोई कंफ्यूजन है? सात्विक विचार? कोई विचार ही नहीं। विचार करोगे तभी तो समझ आएगा, विचार ही नहीं कर रहे। मैंने बोला, क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जब गैस हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होती है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर किया जाता है।
अगर गैस लो टेम्परेचर पे प्रेजेंट है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं कंसीडर किया जाता, अगर गैस रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आई? नॉर्मल कंडीशन में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं कंसीडर किया जाता। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल में 3n-5 होता है, 3n-5, n इज एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। अगर हम वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांसलेशनल तीनों को ऐड कर दे तो ये कितना आ रहा है? 3n आ रहा है। यानी कि गैस की एटॉमिसिटी आपको पता हो, इनटू 3 कर दो तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा जब वाइब्रेशनल मोड एक्टिव होगा। कई बार प्रॉब्लम में लिख लेते हैं, लिख देते हैं कि हेयर वाइब्रेशनल मोड इज एक्टिव, तो अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव बता रहे हैं तो कंसिडर करना है, वाइब्रेशनल मोड इज नॉट एक्टिव तो नहीं कंसिडर करना। ठीक है, नॉर्मली जो आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी ना, वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव वाली सिचुएशन में वैल्यूज गिवन होती है। नहीं, ये सब याद कर लो सारा। ठीक है, तो आप देखो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 3n आ गया, टोटल 3n आ गया। अब अगर आप, अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव नहीं है तो ये 5 ही रहेगा। ठीक, तो मैं यहां पे जो वैल्यू लिख रहा हूं वो वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव वाली सिचुएशन में लिख रहा हूं, बाकी वाइब्रेशनल मोड एक्टिव होने पे आप इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करोगे। समझ में आएगा? नहीं? ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक लीनियर के केस में क्या हो जाएगा, 5/2r, ये क्या हो जाएगा, 7/2r, तो ये भी क्या गया, 7/5। पॉलीटॉमिक लीनियर में भी ये 7/5 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो चौथा केस इसी में आ जाएगा, पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर, पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर, ये कॉन्सेप्ट जो है ना केमिस्ट्री से ज्यादा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर, पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3। नॉन लीनियर तो इसमें बेसिकली क्या है, एक जैसे लीनियर मॉलिक्यूल है तो लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक तो इस तरीके से आप रोटेट करोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट और एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे क्योंकि उसका शेप नॉन लीनियर है तो उसमें जो है जो नॉन लीनियरिटी की वजह से भी एक सिचुएशन अराइज होगी, उसको कंसिडर करते, तो इसलिए तीसरा मोड, तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे देखो 3n-6 होता है, क्या होता है, 3n-6, टोटल 3n ही है। चाहे लीनियर मॉलिक्यूल हो या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n के बराबर होगा, और अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव नहीं है तो लीनियर के केस में 5 और नॉन लीनियर के केस में 6, याद रहेगा। तो SO2 के केस में अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव नहीं है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 6, और CO2 के केस में 5। सर मोनोटॉमिक के केस में वाइब्रेशनल मोड बोला हो ही नहीं सकता, वाइब्रेशनल को मतलब समझ रहे हो, जैसे दो एटम एक दूसरे से बॉन्डेड है, अब वो स्ट्रेच करके दूर जा रहा है फिर पास आ रहा है, जैसे स्प्रिंग, जस्ट लाइक स्प्रिंग, हाँ उसको वाइब्रेशनल मोड बोलते हैं। तो जब एक ही एटम है तो वाइब्रेशनल मोड तो वहां पे हो ही नहीं सकता। क्या रिपीट करूं, CO2 के केस में CO2 इज ट्राइटॉमिक लीनियर, अगर वाइब्रेशनल मोड वहां पे एक्टिव नहीं है तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और हाँ और SO2 के केस में वाइब्रेशनल मोड अगर एक्टिव नहीं है तो 6 होगा। तो फिर यहां पे अगर आप देखो वाइब्रेशनल मोड एक्टिव नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, 3R आ जाएगा,
सिक्स बाय टू आर यानी कि थ्री आर, और ये क्या हो जाएगा फोर आर, तो गामा क्या आ जाएगा फोर बाय थ्री 1.33। तो सबसे कम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होगा? पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर का। सबसे कम डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर का, उसके बाद पॉलीटॉमिक लीनियर, और सबसे ज्यादा मोनोटॉमिक। ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब देखो, अगर आपको एक गैसियस मिक्सचर का पॉइसन रेशियो निकालना है तो लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइसन रेशियो, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइसन रेशियो ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। लिखो कंसिडरिंग n1 mole ऑफ अ पर्टिकुलर गैस with molar heat capacity at constant volume CV1, considering n1 mole of a particular gas, with molar heat capacity at constant volume CV1, n2 mole of another gas with molar heat capacity at constant volume CV2, and so on. ऐसे और भी कई सारी गैसेस प्रेजेंट है. Then molar heat capacity at constant volume. Then molar heat capacity at constant volume of the gaseous mixture. अब आप गैसियस स्टेट की जो प्रॉब्लम मैंने उस समय बोला था कि आप अभी इसको नहीं कर सकते हो, अब आप उस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो. आई थिंक टेक्स्टुअल एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन था, तो अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो. तो सीवी मिक्सचर क्या हो जाएगा? सीवी मिक्सचर इज इक्वल टू n1 इंटू सीवी प्लस n2 इंटू CV2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल n1 प्लस n2. ठीक, या आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni cvi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ni. ये लिख सकते हो? ठीक है, तो सीवी मिक्सचर मिल गया. सीवी मिक्सचर अगर मिल गया तो फिर आप यहां से सीपी मिक्सचर निकाल सकते हो. सीपी मिक्सचर क्या हो जाएगा? सीवी मिक्सचर प्लस आर. ये जो मेयर्स इक्वेशन है ये एक प्योर गैस के लिए भी एप्लीकेबल है और मिक्सचर के लिए भी एप्लीकेबल है. तो सीपी मिक्सचर इज इक्वल टू सीवी मिक्सचर प्लस आर. तो फिर आप यहां से गामा मिक्सचर निकाल लोगे. गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा? CP mixture upon CV mixture. अब इसको ये भी लिख सकते हो 1 plus R upon CV mixture. ठीक है, इक्वेशन लिखो.
Determine poison ratio. Determine poison ratio. Determine poison ratio of a gaseous mixture containing. Determine poison ratio of a gaseous mixture containing. Determine poison ratio of a gaseous mixture containing 2 mole helium. 2 mole helium. 1 mole CO2. 1 mole CO2. And 2 mole of SO2. At room temperature. इसका मतलब यहां पे वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव होगा. तो यहां पे आप सबसे पहले निकालोगे सीवी मिक्सचर. सीवी मिक्सचर क्या हो जाएगा? 2 × 5/2 R. 3/2 प्लस 1 × 5/2 R प्लस 2 × 3 R डिवाइडेड बाय 5. तो 3 R प्लस 6 R 9 R 9 R प्लस 23 R by 10. ये सीवी मिक्सचर आ गया. तो सीपी मिक्सचर निकाल लिया. तो ये हो गया. हाँ वो भी कर सकते सीधे. तो ये आ जाएगा 33 R by 10. ठीक है, सीवी मिक्सचर प्लस R. तो 33 R by 10 आ गया. तो गामा मिक्सचर जो है वो हो जाएगा 33 upon 23. तो 33 upon 23 इस तरीके से आप कैलकुलेट करो. तो अब आपने पॉइसन रेशियो का कंसेप्ट को समझ लिया है. तो फिर अब इसके बेसिस पे एडियाबेटिक प्रोसेस की एनालिसिस की जा सकती है. ना अभी करूंगा ना अभी. अबे 10 मिनट रहते हैं. हाँ तो मेरे क्लास से क्यों काटते हो? हाँ चलो लिखो.
Analysis of adiabatic process. Analysis of adiabatic process. एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर. ठीक है, लिखो लिखो, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. फटाफट लिखो, फटाफट. नहीं सर, ना ना, जल्दी. इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, in case of adiabatic process there is no heat transfer across the system boundary, therefore q kya ho gaya, zero. So from first law of thermodynamics, क्या होता है भाई, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी. ये होता है, और सी वी क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन होता है ना. कहां से होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. सीवी से डिवाइड किया तो सीपी बाई सीवी माइनस वन इज इक्वल टू आर बाई सीवी. सीपी बाई सीवी गामा, गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर बाई सीवी. तो सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन. तो एन इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी को हम टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना. तो अब आप देखो, आर अपॉन गामा माइनस वन था भाई. अब आप देखो, इसको ऐसा लिख सकते एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो फिर इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन. लिख सकते हैं, ध्यान देना. अभी मैंने जो रिजल्ट लिखा है, ये रिजल्ट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल. ठीक है, इस बात को नोट कर लेना. दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल, this result is applicable, this result is applicable for reversible and irreversible adiabatic processes both. This result is applicable for reversible and irreversible adiabatic processes both. ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड दिस इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन. मैंने देखा है ये सीधे यही एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है कॉम्पिट एग्जाम में, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन. या क्या आ गया, एन इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस. अच्छे से लिख दिया. अब देखो, अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एक बात याद रखना आप, हम थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं जो इंटीग्रेशन के थ्रू आया है. ठीक है, कोई भी रिजल्ट थर्मोडायनेमिक्स का अगर इंटीग्रेशन के थ्रू डिराइव हुआ है
तो ये समझ लेना कि वो रिजल्ट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल। किसी भी रिजल्ट को अगर हमने इंटीग्रेट करके निकाला है, मींस वहां पे सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में, सिस्टम और सराउंडिंग ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है, छोटे छोटे चेंजेज के थ्रू उस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस वाले रिजल्ट अप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। तो अगर अब यहां पे देखें तो DU, अगर हम स्मॉल चेंजेस के टर्म्स में बात करते हैं, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, लिखो फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस DU इज इक्वल टू W, ठीक है, DU is equal to W, DV, DU क्या हो जाएगा N CV DT और W क्या हो जाएगा माइनस PDV, ठीक है ना। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं N CV DT is equal to माइनस P, माइनस P को हम क्या लिख सकते हैं NR T by V, NR T by V लिख सकते हैं ना, तो एन आर टी डी वी बाई वी ये लिख सकते, ठीक है। तो एन से एन कैंसिल हो गया, टी को हम इधर ले आए, तो इसको क्या लिख सकते, सीवी डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस आर डी वी बाई वी, सीवी डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस आर डी वी बाई वी। और अगर हम यहां पे नेट चेंज निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो मान लो टेम्परेचर वेरी कर रहा है टी वन टू टी टू और वॉल्यूम वेरी कर रहा है वी वन टू वी टू, टेम्परेचर वेरी कर रहा है टी वन टू टी टू, वॉल्यूम वेरी कर रहा है वी वन टू वी टू, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ये एल एन टी, इसका इंटीग्रेशन है तो एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन यानी कि एल एन टी टू बाई टी वन, और इधर ये क्या आ जाएगा एल एन वी, तो एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन यानी कि एल एन वी टू बाई वी वन। तो हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है ना। तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आर एल एन वी वन बाई वी टू, ठीक है ना। अब देखो CV को अगर इधर ले जाए तो क्या लिख सकते हैं ln T2 by T1 is equal to R by CV ln V1 by V2, R by CV क्या होता है गामा माइनस वन। अब फिर log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, log की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो ln T2 by T1 is equal to ln V1 by V2 to the power gamma minus 1, ठीक है ना। अब देखो इतना मैथमेटिकली आपको ठीक होना पड़ेगा, चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि इतना आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो ln x is equal to ln y, तो x is equal to y, समझ आया कि नहीं। तो फिर हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज क्या T2 टू बाई टी वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू टू द पावर गामा माइनस वन, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या गया T1 V1 वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 वी टू टू द पावर गामा माइनस वन, ठीक है ना। तो फिर हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके लिए एप्लीकेबल है ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, सिर्फ एडियाबेटिक मत बोलना, ये रिजल्ट एप्लीकेबल है ओनली फॉर
रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो हमने यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप निकाल ली है, ठीक है, टी और वी के बीच में रिलेशनशिप हमने निकाला है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो पी और वी के बीच में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, पी और टी के बीच में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। बस मैं आपको अप्रोच बता देता हूं, बाकी काम आपका है, ठीक। देखो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर भी बदलता है, वॉल्यूम भी बदलता है, टेम्परेचर भी बदलता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम बदलता है, ठीक है। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया था, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में कंबाइंड गैस लॉ अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? कंबाइंड गैस लॉ अप्लाई होगा। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब आप क्या करोगे, यहां से T2 बाई T1 का एक्सप्रेशन निकाल लो, T2 बाई T1 क्या आ जाएगा भाई, P2 V2 अपॉन P1 V1 आ जाएगा। अब इसको यहां पुट कर दो, ठीक है, तो यहां से पुट करके आप देख लो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, PV2 γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या आता है, PV2 γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसी तरीके से आप यही एक्सप्रेशन यूज करो कंबाइंड गैस लॉ में, अगर आप चाहते हो कि आपको पी और टी के बीच में रिलेशनशिप मिल जाए, तो इधर जो V1 by V2 है ना, V1 by V2 को निकाल करके पी और टी के टर्म्स में उसको पुट करो, तो अब ये तीनों एक्सप्रेशन जो है ना आपको अपने आप से डिराइव करके फाइनल रिजल्ट लिखना है, ठीक है। एक बता दिया, दो आपको करना है, वो रिजल्ट क्यों बताऊं, वो काम तेरा है, कंप्लीट कर उसको, अगले क्लास में नहीं बताऊंगा, अगले क्लास में इसके क्वेश्चन कराऊंगा।